आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर टू करने वाले हैं। देखो एग्जांपल नंबर टू में क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज, हमें जीरोज निकालना है ऑफ द पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल हमें दे दिया है 6x² - 3 - 7x, एंड और क्या बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट का जो है मुझे रिलेशनशिप वेरीफाइज करना है, दिखाना है। बिल्कुल ये आपका एग्जाम्पल नंबर वन के जैसा है। तो देखो कैसे क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग जो पॉलीनोमियल है वो ले लेंगे, कि लेट कर लेते हैं कि लेट जो हमारा पॉलीनोमियल है वो पी एक्स जो है हमारा एक पॉलीनोमियल है P of x है ना, इज इक्वल टू हमारा क्या दिया हुआ है कि 6x² - 3 और - 7, ये मुझे दिया हुआ है। अब एक काम करो, इसको सबसे पहले देखो करो आप एक इसको अरेंज करके लिख लो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो इसको पहले हम अरेंज करके लिख लेते हैं। तो अगर इसको हम अरेंज करके लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6x² - 7x और - 3, ठीक है। चलिए अब हमें मालूम है कि बीच वाले टर्म को करना पड़ता है मिडिल टर्म, फैक्टराइज को फैक्टराइज करना पड़ता है। चलो फैक्टराइज करेंगे। तो 7x को ऐसे करना है कि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 6 * 18 आना चाहिए, 6 * 18 - 18x² आना चाहिए। तो पहले हम 18 को तोड़ लेते हैं, 18 को तोड़ेंगे तो 2 से हो जाएगा हमारा कितना, 2 * 18, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से इसी 2 से आ जाएगा, ठीक है। देखो तो अगर हम 6x² को 6x² रहने दें और -7 है तो हम -9x ले लेते हैं। नहीं, मगर 9x में से 2x माइनस करोगे तो आपका 3 सॉरी ठीक है तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो पहले हम -9x लेते हैं, -9x एंड देन +2x ले लेते हैं। तो देखो तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 और माइनस में आ जाएगा, बिल्कुल इतना ही आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा, 9 * 2 = 18, 18 आ गया, x * x² आ गया, माइनस आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर -3 है तो -3 लिख दिया। अब देन जो है हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारा 3x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 3 * 2 = 6x, ठीक है। और यहाँ बचेगा 3 * 3 = 9, तो -9 3 ये आ गया हमारा, ठीक है। चलिए यहां से भी हम लोग कॉमन लेंगे। अब यहां से कॉमन हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा कॉमन, रिएक्शन तो 1 लेंगे, +1 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो फिर क्या बचेगा हमारा, 2x यहां आ जाएगा, देन -3 ये आ जाएगा। तो देन अब जो है 2x - 3 ये कॉमन आ रहा है ना इन दोनों में, तो कॉमन ले लो, 2x - 3 ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या आपका 3x, यहां से हमारा बच गया कि 3x + 1। अब जो है हमारा रिलेशन, हमें मालूम है कि हमें जब जीरोज निकालना है तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग जीरो लेंगे, क्या लेंगे, पी ऑफ एक्स का जो वैल्यू हम लोग वो जीरो लेंगे तभी हम लोग जीरोज निकाल पाएंगे। तो चलिए ठीक है, तो पी ऑफ एक्स की जगह पर मैं जीरो यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, आप लिख देना पहले एक लाइन और कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे। तो अब क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, तो यहाँ से दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा देखना कि एक बार जब इसको भेजोगे तो ये टर्म बचेगा हमारा, यानी कि 2x - 3 इज इक्वल टू जीरो, या तो ये हो जाएगा और या नहीं तो अगर हम इसको भेज देंगे तो बाय में आएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि 3x + 1 इज इक्वल टू जीरो। ये आपने बहुत करा है 7, 8 क्लास में 9 क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन पे बेस्ड करा है आप लोगों ने, तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट आप, तो क्या आएगा, x का वैल्यू निकालो तो ये 3 हो जाएगा तो प्लस में और ये 2 आएगा तो बाय में, यानी कि x इज इक्वल टू जो है हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू जो आएगा पहले वाले से 3/2 आ जाएगा, 3/2। और दूसरा क्या आएगा हमारा इस वाले से क्या आएगा कि जब ये इधर जाएगा तो माइनस में और बाय 3 आ जाएगा ना, तो दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/3। दिस मीन्स दैट दो जीरोज हमें आ गया, यानी कि एक अल्फा आ गया और एक बीटा आ गया, यानी कि अल्फा अगर मैं इसको अल्फा मानता हूँ तो अल्फा जो है हमारा ये आ गया 3/2 एंड बीटा जो है हमारा दूसरा जीरो जो है वो आ गया -1/3। तो दो जीरोज हमें आ गए हैं, एक अल्फा एंड एक दूसरा बीटा। अब हम लोगों को निकालना है उसका रिलेशनशिप, बोला है कि रिलेशनशिप निकाल के दिखाइए, तो आइए अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जी। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है पहला रिलेशनशिप निकाल के दिखा रहे हैं। तो पहला रिलेशन जो था हमारा वो यही था कि सम ऑफ जीरोज, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सम ऑफ जीरोज जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यही दो जीरो आया था ना, तो इन दोनों का सम कर दिए। ये कितना होना चाहिए हमारा, -b/a होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले दिखाया था करके, तो -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखो तो अल्फा कितना आया है हमारा, 3/2 आया, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3/2 प्लस, और बीटा कितना आया है 1/3, तो -1/3 आया है, तो ये लिख दिया बीटा। तो ये इज इक्वल टू -b/a हमारा आना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए इसको जब अपन सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये एलसीएम जो है हमारा आ जाएगा 6,
ठीक है। चलिए तो अभी टू से इसको करेंगे तो थ्री बार में थ्री टाइम्स में कर जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा हमारा थ्री थ्री जै नाइन, यह आ गया नाइन और प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस है, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो थ्री टू या सिक्स टू यानी कि माइनस टू आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यही था अभी यही रहने देते हैं। चलिए यानी कि इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आपका ये आ जाएगा कितना नाइन से टू जाएगा तो सेवन, तो सेवन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू माइनस बी, हमें मालूम था कि किसको बोलते हैं कि कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो देखो यही है ना हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो चलिए देखते हैं माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन हमारा क्या होता है ए, क्या होता है ए है हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारा कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है ये सेवन है, माइनस सेवन और माइनस सेवन और ये माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, तो बिल्कुल इतना आ रहा है, एकदम सही है प्लस सेवन आ रहा है, और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट कितना है सिक्स है, तो ये उतना ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा इसका रिलेशन, पहला रिलेशन। आइए अब हम लोग दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और दूसरे वाले रिलेशन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है दूसरे रिलेशन की तरफ चल रहे हैं, तो दूसरा रिलेशन हमारा यही है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस डियर स्टूडेंट हमें मालूम है, जान ही रहे हैं कि क्या होता है कि अल्फा गुना बीटा, तो यानी कि अल्फा गुना बीटा यही हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरो यही आया था अल्फा और बीटा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये इज इक्वल टू कितना आना चाहिए था याद करो, तो ये आना चाहिए था मुझे सी अपॉन ए, यही आना चाहिए था, तो बिल्कुल ये हमारा आएगा, देखते हैं। तो अल्फा का वैल्यू है हमारा थ्री बाई टू, तो ये लिख दिया थ्री बाई टू इन टू, क्या है हमारा बीटा की माइनस वन बाई थ्री, तो माइनस वन बाई थ्री लिख दिया और ये हो गया हमारा सी अपॉन ए। चलिए तो इसको जब अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री वन जो थ्री यानी कि माइनस थ्री अपॉन थ्री टू जो सिक्स, सिक्स आ गया इज इक्वल टू सी का मतलब था हमारा कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट टर्म बाय क्या था हमारा ए, याद करो कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया हमारा क्या कि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा ये, तो ये हो गया कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट टर्म देखो हमारा माइनस थ्री है, यहां भी माइनस थ्री आया है बिल्कुल सही है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा सिक्स है तो यहां भी सिक्स आया है तो बिल्कुल सही है और हमारा आंसर आ गया। यही मुझे दो रिलेशन निकाल के दिखाने के लिए कहा था स्टूडेंट, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।